नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। हमने तय किया है कि नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर हम बढ़ाकर 50% करेंगे और हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की भावना के साथ क्लाइमेट के विषय को निरंतर महत्व दिया है। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमने मिलकर ग्रीन डेवलपमेंट पैक पर सहमति बनाई। हमने लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत तय किए। हमने वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत ने अल्टरनेट फ्यूल्स के लिए हाइड्रोजन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी लॉन्च किया। हम मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट को बिलियन से बढ़ाकर कई ट्रिलियन तक ले जाने की आवश्यकता है। साथियों, ग्लासगो में भारत ने आइलैंड स्टेट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। भारत 13 देशों में इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ग्लासगो में ही मैंने मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन आपके सामने रखा था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्टडी कहती है कि इस अप्रोच से हम 2030 तक प्रति वर्ष 2 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। आज मैं इस फोरम से एक और प्रो प्लैनेट प्रो एक्टिव और पॉजिटिव इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूं। यह है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। यह कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जरूर जुड़ेंगे। साथियों, पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है, विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को। सिर्फ मेरा भला हो, ये सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी। इस हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां आया है। हम में से सभी को अपने दायित्व निभाने ही होंगे। पूरी दुनिया आज हमें देख रही है, इस धरती का भविष्य हमें देख रहा है। हमें सफल होना ही होगा। वी हैव टू बी डिसिसिव। हमें संकल्प लेना होगा कि हर देश अपने लिए जो क्लाइमेट टारगेट तय कर रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है, वो पूरा कर ही दिखाएगा। वी हैव टू वर्क इन यूनिटी। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे,
एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे, हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। वी हैव टू बी मोर बैलेंस्ड। हमें यह संकल्प लेना होगा कि एडॉप्शन, मिटिगेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, लॉस एंड डैमेज, इन सब पर संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ें। वी हैव टू बी एम्बिशियस। हमें संकल्प लेना होगा कि एनर्जी ट्रांजिशन जस्ट हो, इंक्लूसिव हो, इक्विटेबल हो। वी हैव टू बी इनोवेटिव। हमें यह संकल्प लेना होगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का लगातार विकास करें, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन को सशक्त करें। फ्रेंड, भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में कॉप 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। कल लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करने का जो निर्णय लिया गया है, उससे हम सभी की उम्मीद और बड़ी है। मुझे विश्वास है यूएई की मेजबानी में ये COP28 समिट सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। मैं मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद और संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल एक्सेलेंसी गुटेरेस को मुझे ये विशेष सम्मान देने के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।